नमस्कार, मैं हूं जोया शेख। एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। न्याय की उम्मीद में उन्नाव रेप पीड़िता ने तोड़ा दम। आग के हवाले की गई उन्नाव बलात्कार पीड़िता की देर रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर शलभ कुमार ने बताया कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। शाम से ही पीड़िता की हालत खराब होने लगी थी। रात 11:10 पर उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी 11:40 पर उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को जहाज के जरिए उनके घर उन्नाव ले जाया जाएगा, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए आरोपी की गर्भवती पत्नी ने कहा, जहां मेरे पति को मार दिया वही मुझे भी गोली मार दो। आरोपी चेन्ना केशवुलू की मां ने कहा कि उन्हें हमें कुछ समय देना चाहिए था। हमें बताया गया कि गिरफ्तारी के 14 बाद हम उससे मिल पाएंगे, यह केवल 8वां दिन था। आरोपी मृत चेन्ना केशवुलू की पत्नी रेणुका की उम्र 20 साल है और वह 7 माह की गर्भवती बताई जा रही है। रेणुका ने मीडिया के सामने ये सब कहा। बिहार के दरभंगा में 5 साल की बच्ची का बलात्कार। जहां महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के दरभंगा में सदर पुलिस थाने अंतर्गत एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार किया गया, जिसमें बच्ची के बलात्कार के आरोप में एक टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक आरोपी ने 6 दिसंबर को बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस उप अधीक्षक अनोज कुमार ने कहा कि हमें बताया गया है कि टेम्पो ड्राइवर बच्ची को एक बगीचे में ले गया और उसका बलात्कार किया। खबर ये भी आ रही है कि पीड़िता को इलाज के लिए वही एक अस्पताल में ले जाया गया, वही उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद जुड़े रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।